गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कर्सिव राइटिंग में कैपिटल डी और स्मॉल डी को लिखना सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ कैपिटल डी को लिखने के लिए भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि किस तरह से हमको कैपिटल डी को बनाना है। तो सबसे पहले हम दिखेंगे एरो चिन्ह को। एरो चिन्ह जिस दिशा में जाती है, हम अपने हाथ को उसी दिशा में घुमाएंगे। देखिए, यह यहाँ से शुरू हुआ है। डी ऊपर से शुरू होकर नीचे की ओर यहाँ पे राउंड बनाते हुए, फिर इस दिशा में हाथ को घुमाते हुए यह डी यहाँ पे खत्म होता है। तो यह आपका कैपिटल डी था। फिर से हम रिपीट करेंगे, शुरू कहाँ से करना है। हम यहाँ से शुरू करेंगे और जिस दिशा में एरो घूम रहा है, हम लोग भी वैसे ही पेंसिल एवं हाथ को घुमाएंगे बिना हाथ को उठाए। तो ये आपका कैपिटल डी कंप्लीट हुआ। स्मॉल डी के लिए भी वही इंस्ट्रक्शन है, जिस तरह जिधर से एरो जाएगा वहाँ तक हमें जाना है, फिर रिटर्न होना है। तो यहाँ से शुरू होकर एरो चिन्ह यहाँ तक आता है, फिर देखिए अंदर का एरो, यहाँ से फिर ये रिटर्न होकर यह ऊपर की ओर जाकर फिर रिटर्न नीचे की आकर यह यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हम फिर से स्मॉल डी को लिखेंगे। हम यहाँ से पेंसिल घुमाना शुरू करेंगे और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम एक सर्किल बनाते हुए ऊपर की ओर जाते हैं, फिर नीचे लौटकर इस तरह से हम स्मॉल डी को कंप्लीट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए फोर लाइन है, 1, 2, 3 एंड 4, और यह थर्ड लाइन तक ही है। शुरुआत फर्स्ट लाइन को टच करते हुए या नीचे थर्ड लाइन को टच करते हुए यहाँ पे राउंड बनाकर फिर यह थर्ड लाइन को टच करते हुए फर्स्ट लाइन को टच करता है, फिर जब यहाँ पे राउंड बनता है तो यह सेकंड लाइन को टच करके उसके मध्य में कंप्लीट करता है। तो ये आपका कैपिटल डी है। आप इस डॉट में कंप्लीट कीजिए पहले। तो इस तरह से आपका कैपिटल डी कंप्लीट होता है। आराम से लिखिए। स्मॉल डी को देखिए, 1, 2, 3 फोर लाइन, ये भी थर्ड लाइन शुरू हुआ है। थर्ड लाइन को टच करते हुए या सेकेंड लाइन में राउंड बनाते हुए या नीचे की ओर थर्ड लाइन को टच करते हुए फिर फर्स्ट लाइन को टच करता है, फिर थर्ड लाइन में आकर यहाँ पर एक कर्व बनाता है सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में। तो इस तरह से स्मॉल डी को हम लिखेंगे। तो पहले आप जितने भी डॉट्स बनाए हुए हैं, डॉट में डी बनाए हुए हैं, उस डी को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इस पेज को पूरा भरेंगे। थैंक यू।